हेलो ब्यूटीफुल। सो आज का वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिंटरेस्ट पिक्ड माई आउटफिट फ्रॉम अमेज़ॉन। गाइज हम सबको पता है, हमें कोई भी आइडियाज़ चाहिए होते हैं या कुछ भी चाहिए होता है ना, हम पिंटरेस्ट पे जाके ढूंढते हैं मैक्सिमम टाइम। तो मैंने भी इस बार यही किया कि यार लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, और वो सारे ट्रेंड्स मैंने अमेज़ॉन से परचेज करे हुए हैं। तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू सी दिस डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो ऑफ माइन, देन प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाता है तो आप कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद में छोटी सी घंटी उसे हिट कर देंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी। ऑल्सो गाइज मैं अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम पे भी, तो अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ अपडेट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं देन आप मुझे इस इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलो बिना देर करें हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये मज़ेदार वीडियो। तो गाइज मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने किस हिसाब से पिंटरेस्ट से पिकअप किया है आउटफिट। सो मैंने यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाके डाला था ट्रेंडी 2021 आउटफिट्स, और इसमें मुझे जितने भी ऑप्शंस दिखे मैंने उन्हीं के हिसाब से अमेज़ॉन पे जाके अपलोड किया पिक्चर्स। तो अमेज़ॉन पे एक स्नैप वाला ऑप्शन है जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट अगर अपलोड करते हो तो वो डिटेक्ट करके आपको उसी से रिलेटेड पीसेस दिखाता है। सो दैट इज द प्रोसीजर आई हैव फॉलोड द सेम। गाइज द वेरी फर्स्ट आउटफिट इज दिस पर्टिकुलर गर्ल हु इज़ वेयरिंग ग्रीन डेनिम, और ये ग्रीन डेनिम ना मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे क्योंकि आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है। एंड ऑल्सो गाइज इसने ना ये वाला क्रॉप टॉप पहन रखा, और इसको मैंने अमेजोन पर इतना ढूंढा मुझे मिला नहीं इस तरीके का प्रिंटेड क्रॉप टॉप। तो गाइज आई जस्ट गॉट माई हैंड्स ऑन दी बॉटम, तो मैंने जब ये पिक्चर में देखा तो मुझे सिमिलर लग रहा था, बट जब रिसीव हुआ ना तो मुझे कुछ इस तरीके के कलर में रिसीव हुआ। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली ग्रीन विच आई वॉज लुकिंग फॉर, बट इट वॉज अ बिट सिमिलर जो मैंने पिक्चर में देखा था। और सर गाइज यहाँ पे ना पॉकेट मिल जाते हैं, तो इसका फैब्रिक वगैरह ना थोड़ा सा जूट फैब्रिक में दे रखा है, एंड ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल टू वेयर है। बट दिस आई फील बहुत ही ज़्यादा लूज था, काफ़ी ज़्यादा ढीला ढाला सा लग रहा था। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यू गाइज लेट मी नो कि मुझे इसे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैं थोड़ी सी स्केप्टिकल हो रही हूँ इस चीज़ को लेकर। एंड ऑल्सो गाइज ये ना डेनिम नहीं आया, ये थोड़े से पजामा स्टाइल में आया है। आई रियली लाइक द फैक्ट इसका जो इलास्टिक है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है एंड काफ़ी कंफर्टेबल टू वेयर है। ऑल्सो गाइज इसका लेंथ भी बहुत ज़्यादा था, तो मैंने इसको ना वो पिंटरेस्ट गर्ल की तरह ही मोड़ लिया है। गाइज दिस बॉटम कॉस्टेड मी 799 रुपीज़। गाइज जब मैं पिंटरेस्ट देख रही थी ना तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर लोग बेसिक्स ही पहन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लोथ्स नहीं मिले, एंड इवन आई वॉज लुकिंग फॉर बेसिक्स ओनली। तो नेक्स्ट जो मैंने परचेज किया है आफ्टर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस होल आउटफिट, और मुझे लगा कि मैं पोलका डॉट स्कर्ट इसी टाइप की सैटिन मटेरियल में थोड़ा सा ढूंढ निकालूंगी, बट अमेजोन पे इस तरीके की भी स्कर्ट नहीं मिली। सो आई जस्ट वेंट फॉर द टॉप, और मैंने ना यहाँ पे बेसिक सा टॉप मंगा लिया है फ्रॉम दी ब्रांड ब्लेज, और ये लार्ज साइज में है गाइज। इसका ना मटेरियल रिप्ड है, तो रिप्ड मटेरियल ना एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा रिच एलिगेंट लगते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल टू वेयर भी होते हैं। सो इसका फिटिंग वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड आई रियली लव दी फैक्ट कि इसके जो स्ट्रैप्स हैं ये भी थोड़े से थिक है। यूजली ना वो एकदम नूडल स्ट्रैप आते हैं, मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं है। गाइज आई एम रियली हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर फैब्रिक, बिकॉज ये सो गाइज एकदम मैच कर रहा था पिंटरेस्ट से ही जो मैंने रिकमेंडेशन लिया था, एंड आई कैन पेयर दिस पर्टिकुलर टॉप विथ सो मेनी वेज, और इस तरीके का बेसिक आई थिंक सबके पास में होना चाहिए। नेक्स्ट गाइस जो मैंने देखा ना पिंटरेस्ट में, आई रियली लव दिस बलून स्लीव टॉप, और ये बहुत ही प्यारा न्यूड कलर में था। और जब मैं इसे देख रही थी व्हेन आई वाज एक्सप्लोरिंग अमेज़ॉन, मुझे ना एकदम इसी से ही मिलता जुलता टॉप लगा, बट जब रिसीव हुआ इट वॉज क्वाइट डिफरेंट, एंड यू गाइज कैन सी आई एम वेयरिंग दिस पर्टिकुलर टॉप, और ये बहुत ही ज़्यादा पिंक रिसीव वो है गाइज, आई डेंट एक्सपेक्ट इट। और ये पीछे पिंक सॉर्ट ऑफ कलर है, दो आई लव द टॉप, आई रियली लाइक द स्वीट हार्ट नेक, एंड ओवरऑल अच्छा लग रहा है। बट यार मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा सा तो बलून स्लीव ज़्यादा होंगे वैसा आएगा, बट आई डिंट गेट इट। ओवरऑल गाइज अगर आप इस तरीके का टॉप देखना चाह रहे हैं यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन ऑन, बिकॉज यहाँ पे आपको हल्का सा बलून स्लीव मिलता है। इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है गाइज, इट इज़ वेरी ईजी टू वेयर, एंड ऑल्सो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल फैब्रिक भी मुझे लगा। ओवरऑल इसका डिटेलिंग भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेसिक पिंक कलर टॉप है, एंड इस तरीके का कलर मेरे पास नहीं था। तो गाइज ओवरऑल तो अगर देखा जाए परचेज तो अच्छी है, बट आई कुडंट फाइंड द एग्जैक्ट
एग्जैक्ट टॉप एंड इवन आई फील वी शुड नॉट एक्सपेक्ट कि एग्जैक्ट आपको मिल जाएगा, जो भी पिंटरेस्ट पे देखा है सेम टू सेम आपको गाइस कहीं नहीं मिलने वाला है. नेक्स्ट गाइस, मुझे ये एंटायर आउटफिट ना इतना ज़्यादा पसंद आया. आई रियली लव द वाइट ब्लेजर, वाइट इनर ब्रालेट और वाइट पैंट्स. बहुत अच्छा लगा था मुझे ओवरऑल फुल वाइट मोनोक्रोमेटिक लुक. गाइस ये ब्लेजर मैंने ऐड किया था, मुझे एग्जैक्ट ब्लेजर मुझे अमेजोन पे मिला. इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड आई एम गोइंग टू लीव अ लिंक अप बिलो, आप परचेज कर सकते हो. मुझे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा एंड आई वॉज रनिंग आउट ऑफ माई बजट, सो आई हैड टू ड्रॉप दैट ब्लेजर. But I'm going to leave a link of that blazer. If you guys are interested, definitely check that out. इसमें मुझे guys मैंने pant order कर लिए because इस तरीके का मुझे exact pant Amazon पे मिला. But जब वो मुझे receive हुआ guys, it just मुझे थोड़ा सा दुख हुआ because this is ivory, not the white color. ये pure white नहीं है guys. I think आपको इसमें screen पे दिख रहा है क्या पता नहीं, but ये थोड़ा सा इसमें yellow touch है and personally I love yellow. और इसका जो pleats वगैरह दे रखा है ना, ये exact picture से match करता हुआ pant है. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया high waisted. इसका quality बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा affordable price पे मिला है and I got in the size large. और overall guys इसका fit वगैरह भी मुझे काफ़ी पसंद आया. इसका length बहुत अच्छा है. तो अगर आप देखो 100% मैच तो नहीं है, बट ये पहन के और लुक वगैरह एकदम ही पिंटरेस्ट वाले वाइब्स दे रहा है. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू गेट दिस वन एंड इसका प्राइस पॉइंट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे. सो गाइस नेक्स्ट आउटफिट ना ये वाला था, जहाँ पे बेसिक टैंक उसने पहन रखा है विथ स्कर्ट. ये वाली स्कर्ट भी आई वॉज लुकिंग सो मच, बट मुझे मिला नहीं बिकॉज मैंने ना ऐसे स्कर्ट्स H&M वगैरह में देखे हैं. सो आई डिड नॉट हैव मच एक्सपेक्टेशन दैट आई विल बी एबल टू फाइंड इट इन Amazon, बट मुझे इसका टैंक मिल गया है और एग्जैक्ट टैंक मिला है गाइज. दिस इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड ब्लेज और लार्ज साइज भी मैंने मंगाया है बिकॉज आई एम हैवी बस्टेड, सो ऑफकोर्स आई नीड द लार्ज साइज. एंड ओवरऑल ये एकदम मैच करा है. और अब मैं इस टैंक टॉप को भी कितनी सारी चीज़ों के साथ पेयर अप कर सकती हूँ, कितनी सारी एन नंबर ऑफ चीज़ें गाइज साड़ी के साथ, और नॉर्मल इनर एज ए इनर पहन सकती हूँ, ब्लेजर के नीचे पहन सकती हूँ, जीन्स के साथ पहन सकती हूँ. तो काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है. सो मेरे पैसे भी बच गए एंड आई एम सो हैप्पी कि मैंने बेसिक भी खरीद लिया पिंटरेस्ट के बहाने. सो गाइस लास्ट आइटम मैंने ऑर्डर किया है दिस पर्टिकुलर ड्रेस विच दिस गर्ल इज वेयरिंग. ये टाई स्ट्रैप टाई ड्रेस है एंड ये वाला ड्रेस ना मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी पहने देख लिया है. आई हैव सीन दिस ड्रेस इन H&M. और अभी वो जो गाना आया है ना बादशाह का, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, वैसा कुछ, तो उसमें भी उस बंदी ने ना that lead actress, so she also wore the same green printed dress जब वो ऐसे shopping bag वगैरह लेकर जा रही थी. तो guess what guys, मुझे exactly same dress मिल गया and when I got this I was like oh my god, ये तो एकदम Pinterest वाला outfit है. so look at that, मैं इतनी excited हुई ना इसे देख के guys, because जब आप ऐसा कुछ challenge कर रहे हो और कुछ ऐसा कर रहे हो and when you get this stuff, Nothing is better than that. So guys, ये वाला dress ना एकदम ऐसे ही नीचे से फ्लोई हो रहा है, ऊपर से थोड़ा अच्छा खासा फिटिंग है एंड आई रियली लव इसका जो टाई डिटेलिंग है, आप अच्छे से यहाँ पे टाई कर सकते हो. ऑल्सो गाइज मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इसमें ना पीछे zip दे रखा है तो आपको फिटिंग बहुत अच्छा मिल जाता है. एंड ऑल्सो दे हैव गिवन द इलास्टिक, जिसकी वजह से यू नो आपको जो ऊपर का फिटिंग आता है वो बहुत अच्छा आता है. यू इवन इफ यू बेंड, आप ऐसे झुकोगे कोई भी सामान लेने के लिए ना, तो भी ऐसा कुछ अंदर का दिखने वाला नहीं है बिकॉज दे हैव गिवन द इलास्टिक एट बैक. तो इसमें छोटी छोटी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है एंड दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड मोली एंड सू. और गाइज नीचे से भी ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है, इट हैज़ राइट अमाउंट ऑफ लेंथ एंड एवरीथिंग. इवन द फैब्रिक इज़ सो कम्फर्टेबल टू वेयर. तो ओवरऑल शो स्टॉपर है ये वाला ड्रेस इन दिस एंटायर हॉल. गाइज ये जो सारा सामान है दीज ऑल स्टफ कॉस्टेड मी अंडर 3,000 rupees और मैंने 3,000 का ही बजट दिया था कि मैं पिंटरेस्ट का 3,000 का ही बजट रखूंगी. सो इफ यू गाइज लाइक द कॉन्सेप्ट एंड छोटा सा हॉल, देन आप प्लीज लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरे सारे वीडियोज देखते आ रहे हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन हिट नहीं किया है, तो डू सब्सक्राइब दैट एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको आज का वीडियो आइडिया कैसा लगा. इसी तरह गाइज आप मुझे कॉमेंट करके काफ़ी सारे आइडिया शेयर करो. आई एम गोइंग टू सीरियसली पिक अप योर आइडिया एंड मेक अ वीडियो ऑन इट. तो चलो इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ हमारा आज का ये वीडियो और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय गाइज.